हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल अंजलि मिक्स रेसिपी। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में मैं बनाने वाली हूँ आलू दो प्याजा। तो यहाँ मैंने आलू दो प्याजा बनाने के लिए आलू को मैंने बड़े बड़े पीसेस में यहाँ कट किया हुआ है और प्याज को कुछ इस तरीके से मैंने कलियाँ निकाला हुआ है और थोड़े से प्याज हमने दो छोटे साइज के प्याज को मैंने बारीक कट किया है, दो टमाटर, छिला हुआ लहसुन, हरी मिर्च और अदरक तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आइए बनाते हैं आलू दो प्याजा। तो आपको अगर ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि मेरी वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने पैन रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए। इसमें हम 4 से 5 चम्मच के करीब ऑयल डालेंगे। ऑयल जैसे गरम हो जाएगा उसमें हम आलू को डालेंगे। आलू को हमें शैलो फ्राई करना है। आलू को हम मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे और इसे हम ढक देंगे तो जल्दी से थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक बार आलू को चला लेते हैं और आलू अभी थोड़े से फ्राई। तो फ्रेंड्स, अभी हमने आलू को शैलो फ्राई कर लिया है। अब आलू को हम फटाफट से एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मैंने आलू को निकाल लिया है। अब इसी पैन में थोड़ा ऑयल बचा है जिसमें हम प्याज को शैलो फ्राई कर लेंगे, जो हमने प्याज को इस तरीके से काटा हुआ है। प्याज को थोड़ा सा ढक देंगे, थोड़ा सा थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। ये 2 मिनट के लिए बस ढकना है, ज्यादा टाइम के लिए हमें नहीं ढकना है प्याज को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने कुछ मसालों को लिया है। यहाँ पे मैंने मिक्स मसाला लिया है जो हम डेली उसमें यूज करते हैं। धनिया पाउडर 1 चम्मच के करीब, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, 1 चम्मच भुना हुआ कसूरी मेथी। तो बस इन्हीं मसालों से हम आलू दो प्याजा बनाएंगे। और जो हमने ये टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और थोड़ा जीरा लिया 1 चम्मच के करीब, इसका हम एक प्यूरी बना लेते हैं मिक्सी में पीस के। तो आइए फटाफट से पीस लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्याज भी फ्राई हो चुका है। अब प्याज को भी हम डिश आउट कर लेते हैं फटाफट से, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इसे। अभी गैस को बंद कर देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने फिर से पैन को रखा है जिसमें हम वापस से 3 चम्मच तेल डाल दिए हैं। और तेल को डालने के बाद जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें हम प्याज को डालेंगे। मैंने जो बारीक काट के प्याज को रखा है उसे हम इसके अंदर डाल देंगे और प्याज को एकदम गोल्डन ब्राउन सा भून लेंगे। प्याज को हमें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कर लेना है। और ये प्याज जो आप भून रहे हो इसे एकदम बारीक सा कट करें तो यहाँ परफेक्ट तरीके से प्याज भुन चुका है। और जो मैंने टमाटर, मिर्ची, अदरक और जीरा का पेस्ट बनाया है पहले उसको हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से गैस को मीडियम कर देंगे। पूरे अच्छे से इसे चलाएंगे और इसी के साथ में फ्रेंड्स, हमने जो मसाले रेडी करके रखे हैं चारों, इसके साथ में हम इसको डाल देंगे और अच्छे से मसालों को पहले मिक्स कर देते हैं। और ध्यान रहे फ्रेंड्स, जब आप मसाले को ऐड कर देंगे तो उसके बाद आप गैस को हाई नहीं रखें, मीडियम रखें। मसाले जल जाएंगे तो हमारी सब्जी का जो टेस्ट है बिल्कुल भी अच्छा नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे हमने सभी मसालों को डाल दिया है। अभी इसे हम 2 मिनट ढकते हैं। फ्रेंड्स, अभी इसमें एक कसर बाकी है जो कि है हल्दी। हल्दी हम डाल देते हैं और उसके बाद फटाफट से हम इसमें ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। कम ज़्यादा आप रख सकते हो, जितना आपको चाहिए। तो यह नमक भी हमने डाल दिया है। फटाफट से मसालों को मिक्स करेंगे और मसालों को हमें 10 मिनट तक इसी मतलब प्रोसीजर में भूनना है। जितना मसाला भुनेगा उतना ही सब्जी का टेस्ट अच्छा आएगा। तो अगर आपको
आलू भी साथ में भूनना है तो आप भून सकते हैं। यहाँ पे हम साथ में आलू भी डाल देते हैं और इसे ढक देते हैं बिना चलाए। आलू जितना स्टीम होगा और सॉफ्ट हो जाएगा। तो 5 मिनट बाद एक बार चेक कर लेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक बार चेक करते हैं, 5 मिनट हो चुके हैं और मसाले भी पक चुके हैं। देखिए कढ़ाई के तलवे में मसाले पकड़ रहे हैं। अभी थोड़ा सा इसे हम कंटिन्यू चला के भून लेंगे इस तरीके से। अब इसमें हम फ्रेंड्स ऐड करने वाले हैं एकदम फ्रेश मीठा दही 1 कप और अच्छे से दही को मिक्स करेंगे। दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं लीजिए, आप मीठा दही लीजिए और साथ ही साथ फ्राई किया हुआ प्याज और अच्छे से बहुत अच्छे से इसे मिक्स करना होता है। अब इसमें हम पानी की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अभी हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट ऐसे छोड़ देंगे ढक के, ताकि सारी चीजें आपस में अच्छे से पक जाए। इस तरीके से तो यहां मैं इसे ढक देती हूँ। 5 मिनट बाद इसे हम चेक करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने गैस को अभी बंद किया है और सब्जी देखिए पूरी तरह से पक चुकी है। बिल्कुल अच्छे से सब्जी हमारी बन चुकी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनके आलू दो प्याजा तैयार हुआ है। तो अभी इसे हम फटाफट से सर्व करेंगे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम आपसे मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू रेसिपी के साथ। और तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद एंड बाय बाय।